ऊपर सब चढ़ चढ़ के गया था। आइए अभी देख लीजिए दादा भी ये फाड़ दिया। काउंसलरे बेटी और फ्रेंड आछे अमर, मतलब मेरा भी उससे पहले फ्रेंडशिप था, बट क्या हुआ कि मतलब वो भी मेरे बारे में बहुत कुछ पहले बोलती थी, तो बस मैंने कमेंट किया, पढ़ाई वढ़ाई को लेके मेरा उससे डिस्कशन हुआ, उसी में थोड़ा मतलब बात झमेला हो गया, वो भी मेरे को बोल रही है, मैं भी उसको बोल रही हूँ, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होने लगा मेरा उसके साथ। उसके बाद क्या हुआ, वो तो उसकी फ्रेंड है, उसको जाके बोली देखो ऐसे मेरे को बोल रही है, मैंने तो उसे कुछ बोला भी नहीं, तो वो क्या की मेरे को फिर बोली कि अपना नंबर दो, तो मैंने उसे नंबर दिया, वो मुझे कॉल करके गंदा गंदा गाली दे रही है काउंसलर की बेटी, तो फिर जाके मैंने उसको मैंने भी उसे गाली दिया। तब तक वो मेरे घर के पास आ गई, रुको मैं तुम्हारे घर के पास आती हूँ, तो मुझे घर के पास आके बुलाया और आके यहाँ पे सबके सामने मुझे मारने लगी, गंदा गंदा गाली देने लगी, मुझे मारने लगी, तो मैंने भी मतलब उसी में थोड़ा हाथापाई हो गया, फिर सबको मतलब बोलने लगा, तो मेरी मम्मी को सब उठाया कि आपकी बेटी से लड़ाई हो रही है किसी का, तो सब मेरी मम्मी आके मुझे झाड़ के मार के मुझे लेके चली गई, और वहाँ पे वो खड़ा होकर गंदा गंदा गाली तब तक दे रही थी। उसके बाद मेरे मम्मी मुझे घर पे डांटी रही है, बोली रही, तब तक उसकी मम्मी लोग वहाँ पे आ गई पूरा सामने, और उसके बाद मेरी मम्मी को निकाला घर से, निकाल के यहीं पे मार रहे थे, मतलब मैं मम्मी को बचाने के लिए गई तो मुझे भी पकड़ के सब मारने लगे, और जो काउंसलर का जो भाई है वो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और उसके जो बेटा है वो मेरे ड्रेस को पूरा फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद उनके इनके घर में ढुका के मुझे बांस से मेरे सर पे मारा, मेरे हाथ वाथ पे मारा, तो यहाँ पे एक शशि भैया है वो उन्होंने मुझे ड्रेस दिया अपना मेरे सेफ्टी के लिए, और वरना सब कोई मुझे मार रहे थे, एक एक बार में तीन चार लोग मुझे मिलके मार रहे थे। हाँ, हम लोग थाना में गए थे, FIR भी हुआ, पहले हम लोग थाना में गए थे तो वो एक दो पुलिस आया, बोले तो छोटा मोटा केस आचे बोल रहे थे, तो फिर जाके हम लोग का नहीं सुने, हम लोग से पहले उन लोग के पास चले गए, उन लोग के पास जाके सारा केस वहीं से पता नहीं क्या हुआ आके बोल रहे यहाँ पे छोटा मोटा केस है, तो फिर हम लोग ने जाके CP सर से मतलब कंप्लेन किया कि सर ये ऐसे कैसे छोटा मोटा केस हो सकते हैं, तो मॉलेस्ट का केस है, छोटा मोटा केस कैसे हो सकता है, तो फिर वो उन्होंने पूरा इंक्वायरी किया, फिर ACP साहब को बोले, वो उन्होंने आके पूरा यहाँ पे इंक्वायरी किया, सबसे पूछा, सबने गवाही दिया, तो रात में शायद उनको अरेस्ट भी किया, बट जब सबने किया है तो एक जन अरेस्ट क्यों हुआ है, किया तो सबने है ना, तो एक जन को अरेस्ट नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए। काउंसलर था? हाँ, काउंसलर सामने है, मेरी मम्मी बोल रही है कि देखिए भैया ऐसे हो रहा है, बट वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, मतलब कुछ भी नहीं ले रहा है, मतलब बस खड़े होके बस तमाशा देख रहे हैं, और उनका फैमिली लोग ऐसे मारपीट कर रहे हैं उनके सामने। हुआ नहीं था, नॉर्मल जस्ट मैसेज में हमको गाली दी थी, तो हम जस्ट नॉर्मल से पूछने गए कि क्यों गाली दी हो, तो वो हमको चप्पल से मारने लगी, फिर हम उसको जब मतलब कि पकड़े तो मेरा कपड़ा पूरा फाड़ दी, पूरा कपड़ा देखिए पूरा कपड़ा बहुत ज़्यादा ही फाड़ दी थी, और उल्टा मतलब मेरा भाई कुछ किया नहीं था, जस्ट पूछने गया था कि तुम क्यों इसको मारी हो, गाली वाली दी हो, तो भैया को झूठा झूठा केस में फंसा दिया कि वो उसने कपड़ा फाड़ दिया उसका। तो भैया जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बात है? हाँ, वो गलत बात है, कपड़ा तो मेरा फटा था, उसका कुछ फटा नहीं था, बस वो मारी, हम अपने आप को कैप करने गए तो उसका एक बटन टूट गया हमसे, और फंसाने के लिए गलत गलत बात बोल रही है वो लोग कि कपड़ा फाड़ दिया, मेरा भाई डंडा से मारा, ऐसा कोई बात नहीं है, उसके पास डंडा था, मेरी बहन जब उसका बटन टूट गया दुपट्टा दी तो उसको दुपट्टा देने की वजह से मारी है, डंडा उसके हाथ में था उसको मारी है, और जब वो दीदी बोली है कि अरे हम तो दुपट्टा दे रहे हैं, तो दुपट्टा नहीं लेके एक भैया था वो दिया टी शर्ट अपना उतार के, तो वो फट से लेके पहन ली, और दीदी दी तो नहीं पहनी, और उसको भैया को मम्मी का नाम मम्मी को भी स्क्रैच वगैरह कर दी है उसकी मम्मी, बोलने गई थी तो मेरी दादी वादी को भी मारी है, पेरेंट्स लोग को मेरा वो लोग बहुत उल्टा फुल्टा बोला है, और फिर जाके मारा वारा भी है, बोलने के जब मम्मी पापा बोलने गया तो थाना में उल्टा फुल्टा कंप्लेन करके मेरे भाई को अरेस्ट करवा दिया। बच्चा भी मारपीट को है?
তারপরে আমার বউ গিয়েছে, ওর সাথে ঝামেলা হয়ে গেছে, জানেন তো মানে কি বাচ্চাকে নিয়ে মানে এই নিয়ে আছে আর কি। আমার ছেলেকে ধরেছে, প্রশাসন ওপর বিশ্বাস আছে, যা করবে।